नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में स्टार सत्य SG टेक में। चलिए हम आप लोग को बताएंगे इंडियन बैंक में कैसे जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे खोलना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट आप सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, सबसे पहले ये प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ से ये सर्च करिएगा IB कस्टमर। और जैसे सर्च करेंगे आप लोग को ये आइकन मिलेगा IB कस्टमर वाला, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने फर्स्ट ऑफ ये पेज आएगा। इसके बाद हमको ये हमें इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सबसे पहले ही वो ऑप्शन है इसमें ओपन ए सेविंग अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है इसमें। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर इस सारे को चेक कर। जैसे मान लीजिए कि हम खोल रहे हैं अपना अकाउंट सत्येंद्र मोबाइल नंबर जो भी आप डाल दीजिए, ईमेल आईडी जो भी ले लीजिए और ये कैप्स भर लेंगे, इसको कर लेंगे सारे को चेकबॉक्स पर क्लिक करके इसके बाद ये कर लेंगे। ये एक बात बता दें, देखिए वही मोबाइल नंबर आप यूज़ करेंगे जो आपके आधार बेस मतलब आधार के पोर्टल पे लिंक हो, जिस पे OTP जाए, ठीक है, उसको ही आप यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल डाल देंगे, मान लीजिए कि क्या है ये, इसको भर लेंगे सबसे पहले। इसके बाद और हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे इसको ओपन करने से पहले, और यहाँ पे सारा डिटेल भरेंगे, उसके बाद ये भर लेंगे EREP, इसको चेकबॉक्स कर लेंगे, उसको आगे करेंगे सबमिट पे। हाँ ये गलत दिखा रहा था, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, RWOT, ठीक है, इसको लेकर सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ये OTP आएगा, OTP वेरीफाई होगा, यहाँ पे OTP अपना वेरीफाई कर लेंगे, 9162 वेरीफाई करेगा जो भी अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरव्यू आधार नंबर देने के बाद अपना आधार नंबर देंगे, आधार नंबर के बाद आपका आधार वेरीफाई होगा, ठीक, आपका आधार वेरीफाई करने के बाद आधार का OTP आएगा, OTP के बाद आपको आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दे देंगे, आधार OTP आएगा, इसमें डाल देंगे 427645, इसको वेरीफाई करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद आपका पूरा डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपको इसके बाद आपको अपना फादर्स नेम, एनुअल इनकम, मदर्स नेम, एनुअल इनकम, पैन कार्ड, उसके बाद फाइनली हमको यहाँ पे सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करेंगे आपको 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपको 15 दिन के अंदर यहाँ पे इंडियन बैंक की तरफ से क्या एक आपके घर पे पोस्ट के माध्यम से चला आएगा। यहाँ पे पैन कार्ड आपका होना मस्ट है, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर ये ज़रूरी है, मैरिज स्टेटस भी ले लेंगे, इसके बाद सबमिट कर देंगे, यहाँ से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट, फादर्स नेम तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, एनुअल इनकम जो भी आपका है, पैन कार्ड, मैरिज स्टेटस में आप मैरिड है कि अनमैरिड है, सिंगल हैं,
ठीक है। आप टैब टू ब्रांच पे चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच चूज करेंगे, ब्रांच चूज करने के बाद आगे सबमिट कर देंगे, बस यही प्रोसेस है। इसके बाद आपका खाता ओपन हो जाएगा और 1 साल के अंदर आपको क्या करना होगा, ब्रांच पे विजिट करना पड़ेगा। 0 बैलेंस आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और ब्रांच आपको विजिट करना पड़ेगा 1 साल के अंदर। तो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे करके KYC अपडेट कराने के बाद आपका पूरी तरह से अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, और इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में स्टार सत्य SG टेक में। चलिए हम आप लोग को बताएंगे इंडियन बैंक में कैसे 0 बैलेंस पे अकाउंट खोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे खोलना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट आप सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, सबसे पहले ये प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ से ये सर्च करिएगा IB कस्टमर, और जैसे सर्च करेंगे आप लोग को ये आइकन मिलेगा IB कस्टमर वाला, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये इसको डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने फर्स्ट आप ये पी जाएगा। इसके बाद हमको ये हमें इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सबसे पहले ही वो ऑप्शन है इसमें ओपन एस सेविंग अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल ID, फिर इस सारे को चेक कर। जैसे मान लीजिए कि हम खोल रहे हैं अपना अकाउंट मोबाइल नंबर जो भी आप डाल दीजिए, ईमेल ID जो भी ले लीजिए, और ये कैप्स भर लेंगे, इसको कर लेंगे सारे को चेकबॉक्स पर क्लिक करके इसके बाद ये कर लेंगे। ये एक बात बता दें, देखिए वही मोबाइल नंबर आप यूज़ करेंगे जो आपके आधार बेस मतलब आधार के पोर्टल पे लिंक हो, जिस पे OTP जाए, ठीक है, उसको ही आप यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल डाल देंगे, मान लीजिए कि क्या है ये, इसको भर लेंगे सबसे पहले। इसके बाद और हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे इसको ओपन करने से पहले, और यहाँ पे सारा डिटेल भरेंगे, उसके बाद ही भर लेंगे, इसको चेक बॉक्स कर लेंगे, उसको आगे कर लेंगे सबमिट कर। ये गलत दिखा रहा था, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, RWOT, ठीक है। इसको लेकर सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ये OTP आएगा, OTP वेरीफाई होगा, यहाँ पे OTP अपना वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करेगा जो भी अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरव्यू आधार नंबर देने के बाद अपना आधार नंबर देंगे, आधार नंबर के बाद आपका आधार वेरीफाई होगा, ठीक। आपका आधार वेरीफाई करने के बाद आधार का OTP आएगा, OTP के बाद आपको आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दे देंगे, आधार OTP आएगा, इसमें डाल देंगे 4 2 7 6 4 5, इसको वेरीफाई करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद आपका पूरा डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपको इसके बाद आपको अपना फादर्स नेम
एनुअल इनकम, मदर्स नेम, एनुअल इनकम, पैन कार्ड, उसके बाद फाइनली हमको यहाँ पे सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करेंगे आपको 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपको 15 दिन के अंदर यहाँ पे इंडियन बैंक की तरफ से क्या एक आपकी घर पे पोस्ट के माध्यम से चलाएगा। यहाँ पे पैन कार्ड आपका होना मस्ट है, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर ये ज़रूरी है, मैरिज स्टेटस भी ले लेंगे, इसके बाद सबमिट कर देंगे, यहाँ से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट, फादर्स नेम तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, एनुअल इनकम जो भी आपका है, पैन कार्ड, मैरिज स्टेटस में आप मैरिड है कि अनमैरिड है, सिंगल हैं, ठीक है। आप टैप टू ब्रांच पे चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच चूज करेंगे, ब्रांच चूज करने के बाद आगे सबमिट कर देंगे, बस यही प्रोसेस है। इसके बाद आपका खाता ओपन हो जाएगा और 1 साल के अंदर आपको क्या करना होगा, ब्रांच पे विजिट करना पड़ेगा, 0 बैलेंस आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और ब्रांच आपको विजिट करना पड़ेगा 1 साल के अंदर। तो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे करके KYC अपडेट कराने के बाद आपका पूरी तरह से अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, और इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।